रेडी हुए हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि कराची में तो रात के टाइम पे ही सुबह होती है। हमारे पास ये आ चुका है मेन्यू, मतलब के किताब, जितने गौर से हम इसको पढ़ते हैं, कभी हमने अपनी पढ़ाई भी पढ़ ली होती तो क्या ही बात होती। और सो गाइस आवर ऑर्डर इज हियर, वानिया ने मंचूरियन ऑर्डर किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज है हमारा कराची में पहला दिन और पहली सुबह। मौसम थोड़ा मतलब जैसे सुना था कि बहुत गर्मी है, वैसा नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, सुहाना मौसम हुआ है। इसी के साथ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जो है मैं सोकर उठी हूँ, मतलब तो हम लोग अपनी कल की थकान भी उतारनी थी, तो अभी हम लोग इनके घर पे देख रहे हैं। गैस थी नहीं यार, मतलब कराची में तो सर्दी नहीं है, गर्मी है, इधर गैस क्यों नहीं है? कराची वालों कमेंट्स में जल्दी से बताना क्या आप लोगों को क्या गैस क्यों नहीं है। और मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, इन लोग क्या दो दो बिल्लियाँ हैं, और मैं बस यही एकदम से डर गई थी शायद मेरे पैर में कोई बिल्ली आ गई है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, गैस नहीं। मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बादल कितने मज़े, कितना हसीन हो रहा है, ये देखें कितने मज़े के बादल हैं और हवा चल रही है। की गर्मी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो सके, जैसे ही स्ट्रोक वाली होती है। तो अभी हम लोग करेंगे फटाफट से नाश्ता और देखते हैं कि नाश्ते में हमारे पास क्या है। वैसे तो हमें ब्रेड अंडा ही अच्छा लगता है, हम वो ही खाते हैं। तो अभी हम लोग बस उसकी नाश्ते की तैयारी करते हैं। गैस जो है वो आ रही है, लेकिन नाश्ते का हमारा प्रोग्राम हो गया कहीं और जाके करने का, मतलब दूसरे घर में। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा और अगर मुझसे पूछेगा नहीं कौन सा घर किसके घर, तो सब हम लोग यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के घर आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग दूसरे घर जा रहे हैं, वहाँ नाश्ता करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया। तो पहले यहाँ गैस नहीं थी और अब गैस आ गई है, तो अब हम लोग वहाँ जाने लगे हैं और मज़ा आएगा, चलते हैं जल्दी। तो हमारे पास नाश्ते में है आलू चिकन का सालन और ये मज़ेदार से पराठे। आज मैं किसी और के हाथ हाथ के पराठे खा खा के थक चुकी हूँ, ये भी है ना, बहुत पक गई हूँ। हाँ मैं आराम ठीक है। नाश्ते में ये सुपर बिस्किट भी हैं और ये ब्रेड भी है और अंडे भी बन रहे हैं। यही बोल रही हैं कि सब कुछ है नाश्ते में, तो अभी आप लोग इंतज़ार करें। तो अब जो है हम लोग, अच्छा बाबा बोल लूँ मैं, बात कर लूँ? अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। तो अब जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाहर जा रहे हैं क्योंकि कराची में तो रात के टाइम पे ही सुबह होती है क्योंकि यह रोशनियों का शहर। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं चक्कर शक्कर लगाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं जाएंगे। तो लेट्स सी कि अब कहाँ जाते हैं। हाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं, वानिया बोल रही हम बहुत खाते भी थे, हम नहीं तुम। हाँ वानिया घर में रह नहीं सकती। तो जी हम लोग घर से निकल आए हैं और अभी रास्ते में हैं, हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे और वही गाड़ी में लाइट भी है, रोशनी है, रोशनी। पहले मैं इसीलिए नहीं ब्लॉग बना रही थी कि अंधेरा और था, लेकिन हम लोग आए हैं अभी पेट्रोल पंप पे, तो क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है पेट्रोल तो मस्ट है और कहीं जाओ और पेट्रोल ना डलवाए तो ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम लोग बाहर हैं, अभी हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम लोग आगे ही चलते हैं अपने सफर के। आप लोग यहाँ पर भी आके पेट्रोल डलवा। तो अभी जो हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया है वहाँ पर, तो आप लोग देखते थे कि मैं कितने का डलवा रही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेश 1490 का हम लोगों ने पेट्रोल डाला, मेरी शक्ल देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखने दो, दुनिया देखती है, जलती है, जलने दो, हम अपने मज़े में ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से क्योंकि मैंने सुना कराची के हालात भी थोड़े से नासाजगार से हैं। थोड़ा मोबाइल नीचे कर लेते हैं, है सब मैं आपके साथ। अच्छा यार ये तो मेरे साथ ही आए ना, इनको क्या पता कराची में क्या है। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ। गाइस हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और सीन्स तो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, उधर बैठते हैं सामने। हम लोग इधर ऊपर आ चुके हैं और माहौल तो काफ़ी सीन्स अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब अच्छी एम्बियंस है। बाकी अब देखते हैं कि यहाँ पे खाने में क्या कुछ है और हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, लेट्स सी। और ये एम्बियंस है यहाँ की, और अभी ये गाना गाएगा और हमारे कानों से खून बहेंगे। अब हमारे पास ये आ चुका है मेन्यू, मतलब के किताब, जितने गौर से हम इसको पढ़ते हैं, कभी हमने अपनी पढ़ाई भी पढ़ ली होती तो क्या ही बात होती। और ये हमेशा हम ऑर्डर करते हुए हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो अब करते हैं कुछ ऑर्डर जल्दी, देखते हैं इसको, बहुत कन्फ्यूजन वाला है। तो खैर ट्राई करते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं कि क्या ऑर्डर किया और टेस्ट कैसे। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को एक चलाकी बताती हूँ, अगर आपको कोई जगह बहुत अच्छी लगती है ना, जहाँ पे आप लोग चाह रहे हैं कि आप पिक्चर्स नहीं आ रही अच्छे लाइट आ रही है, तो आप लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पिक्चर्स अच्छी आती हैं, जगह अच्छी, जैसे इस जगह का एम्बियंस बहुत अच्छा, तो वहाँ जाके सिर्फ जूसेस पी लें क्योंकि वो तो अच्छे होते ही हैं, या शेक पी लें और ज़्यादा सारी पिक्चर्स ले लें और वहाँ से निकल लें, जैसे हम लोग कट लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
तो आप लोग भी यही करें, ये बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताई है मैंने आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों, तो इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है। तो गाइस जब आए हमने ड्रिंक ऑर्डर की थी, ट्विस्टर ऑर्डर किया था, ये आ चुका है और पता नहीं कुछ पर्पल पीना था मानिया को, मानिया कुछ पर्पल पीना चाह रही थी तो हमने पर्पल ले लो, हम तो खाएंगे। इन लोगों को जो है ना बहुत शर्म आ रही है बोलने, इतनी बड़ी जगह पर आकर, ये मेरी खालाएं जो हूँ ना, इन बच्चों की खाला हूँ, तो इन लोगों को हो रहा है खाला जो है गरीब है, एक गरीब खाला के साथ हम आए, सब शुक्र में इसी में गुजारा करना चाहिए, तो खाना हम कहीं और जाकर खाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और ये हमारे कानों से खून बहने लगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर इसने गाने गाने शुरू कर दिए, जिंदगी हो गई बर्बाद। तो अभी मैं भी जरा इसको टेस्ट करती हूँ बिगड़े कैसा है, बहुत सारे होटल में देखती हूँ कैसा है, बाकी में अच्छा ही है बताएंगे। है तो मज़े का, फटाफट से इसको पीते हैं और फिर उसके बाद खाना कहीं और खाने चलते हैं। ये एक जूस है, पहले वानिया ने पिया, फिर इसने पिया, अब इसकी बारी है, अब इसके बाद ये मेरी बारी है, फिर हॉट एंड रोल में बाहर भी घूम ले, ये मैं पी रही हूँ, अब इसकी बारी है, तुम पियो पहले, पहले इसको पी लो, खा ले। तुम्हें कैसा लगा? हो गया तो अभी इसका तीसरा राउंड चलेगा और फिर हम इस तरह पियेंगे और फिर हम मिल देकर भाग जाएंगे। हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे बैठकर कुछ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे खाने चल रहे हैं, अल्लाह बहुत ही अच्छा आ रही है, पता नहीं बैकग्राउंड में बात नहीं आ रही होगी, आंटी इतना अच्छा गाना गा रही है कि बस हमारे कानों से खून बहने लग गया है और अब हम यहाँ से बस उठने लगे। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस चेक करें, तुम गा सकते हो जाकर गाने, अपने कॉन्फिडेंस में डूब सकना है, तुम गा सकते हो? नहीं क्यों, मैं बिला फजूल। और अब हम लोग यहाँ से जाने लगे और कुछ खाते हैं चलकर, खाना बहुत भूख लग रही है। अब हम लोग जाने लगे बाहर की तरफ, मन कैसा गा रही थी वो, आप ऐसा गा रही थी कि मेरा दिमाग चकरा गया, मैं भाई दरवाजे में जाके घुस गया, तो मुझे समझ नहीं, पहली दफा कराची यही आई तो बहुत दफा है। हम लोग बाहर खड़े थे तो सोचा कि कबाब जी से कुछ खा लें, यहाँ के मशहूर बेकर्स हैं, वहाँ पे बहुत मजे मजे की चीजें होती हैं और इनका ये वाला जो चिप्स है ये बहुत मजे का होता है, ये आप लाजमी ट्राई करें यार, ये इतने बड़े बड़े वाले नहीं, छोटे वाले नहीं, छोटे यानी। अब हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हॉट एंड रोल पे, और ये आपका कोई अच्छा अच्छा नहीं मतलब इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और अभी हम देखते हैं कि इनका मतलब अच्छा होगा, तो अभी यहाँ से कुछ ऑर्डर करता है। सो गाइस आवर ऑर्डर इज हेयर, वानिया ने मंचूरियन ऑर्डर किया था, यार माशाल्लाह यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी क्वांटिटी में खाना मिला है, ये देखें आप, ये मतलब क्वांटिटी है, और ये चटनियाँ भी इसके साथ आ गई, और बाकी का भी ऑर्डर इनका, अभी ये हमारा ऑर्डर इनकम्प्लीट है और इन लोगों के हाथ रुक नहीं रहे, इनको ये देख कर ना जल्दी खाने का दिल जा रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। हमने ऑर्डर किया था ये चीज़ बर्गर, और एक ये हम लोगों ने ऑर्डर की थी साथ इसके, ये क्या सैंडविचेस, और ये है मलाई बोटी हमने ऑर्डर की थी, और यहाँ पे इनकी क्वांटिटीज बहुत अच्छी है, और आई एम इम्प्रेस्ड बहुत ज़बरदस्त। तो अभी हम लोग इसको फटाफट से खाना क्यों खाते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, इसको पी जाए और इससे हम लोग जल्दी से खाना खाते हैं फटाफट से। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत लेट हो गया, थक गए हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, ब्लॉग देखती है तो इसके साथ करते हैं। चलो भाई कैसे बोलेगी, एंड करो ब्लॉग को कैसे, लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़ कर दो।